हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ चैप्टर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 3.2, पेज नंबर 80। द मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ए एंड बी हुज द सेम ऑर्डर एंड देन देयर सम इज A plus B defined and is obtained by adding corresponding element of A and B and addition of two and more than two matrices is defined only when they have the same order, otherwise not. जब भी हम दो मैट्रिक्स को एड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे केवल तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगा वो हमारे हम ऐड कर देंगे, वही वैल्यू होगी। सेकेंडली होता है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स में भी यही होता है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैं जिनके ऑर्डर सेम है, गिवन है आपको, तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज द डिफरेंस, अदरवाइज नॉट। यदि ए और बी में से किसी भी के ऑर्डर डिफरेंट हैं तो हम ना तो उनको एडिशन कर सकते हैं और नहीं हम डिफरेंस कर सकते हैं। ओनली सेम ऑर्डर होंगे तभी हम कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डेंस ए माइनस बी है, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ ए माइनस करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ बी, तो इसमें से ए में से हम बी को माइनस कर सकते हैं ए और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, अब कुछ हमारी प्रॉपर्टी हैं जो एडिशन पे अप्लाई होती हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। लेट ए एंड बी आर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी हम इसके सीक्वेंस को तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी किया और बी प्लस ए, तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इट इज अप्लाई कर सकते हैं एडिशन के लिए, इसमें हम पार्ट कर सकते हैं एडिशन के लिए। तो इसके साथ हमारा दिस लॉ इज ए कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन मैट्रिक्स। सेकेंड लॉ आता हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इफ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्सेस विद द सेम ऑर्डर, तीनों के ऑर्डर सेम हैं, देन ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी एड किया, इसके बाद प्लस सी ऐड करेंगे, इज इक्वल टू, पहले हमने बी प्लस सी को ऐड किया, फिर इसके बाद ए में ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। दिस लॉ इज ए एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, आप इसमें दोनों को पहले सम करेंगे, ए प्लस बी का दो मैट्रिक्स को ऐड किया, फिर इसके बाद हमने प्लस थर्ड को मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, इक्वल टू लास्ट के दो मैट्रिक्स थे हमारे बी और सी, दोनों को ऐड किया, तब इसके बाद हमने ए के साथ ऐड कर दिया। दिस लॉ इज ए एसोसिएट लॉ ऑफ द एडिशन। ओके, ये हमारा एडिशन पे अप्लाई होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें हमारे दो मैट्रिक्स दिए होते हैं, मैट्रिक्स ए एनी मैट्रिक्स दिया है एन, एक मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स ओ। जीरो मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बट ऑर्डर आर सेम। सो एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू होता है ए प्लस जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, इक्वल टू क्या होता है, ए के इक्वल होता है। इसी तरह से जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए, सो ओ इज द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिव इनवर्स के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, टू मैट्रिक्स ए इज एनी मैट्रिक्स, सो
A plus minus A is equal to 0. Negative matrix A और matrix A, इन दोनों को plus करेंगे तो इसका sum क्या आएगा? 0 matrix के equal आता है. 0 matrix के equal आएगा. यानी minus A plus A is equal to 0. तो the matrix minus A is called the additive inverse of the matrix A. So minus A is called the additive inverse of the matrix A. This property is a existence of the additive inverse. Okay? तो हमारी ये जब ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है आपको, ये चारों प्रॉपर्टी ही एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए. अब इसके बाद आता है हमारी एक मैट्रिक्स में, हम ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन के, अब आता है हमारा मल्टीप्लाइकेशन के लिए. किसके लिए? मल्टीप्लाइकेशन के लिए. तो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर m by n and n by p. Matrix A, order in matrix A is equal to m by n, order of matrix B is equal to n by p respectively. The product of AB of matrix A and B defined only if the number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. यदि matrix A के column के number element हैं और column B के row के element हैं, यदि same हैं, तो it is a defined product, is a defined, otherwise no. तो product AB will be a m by p matrix. Let matrix A with the element ij, with the order is m by n. Let matrix B with the element b, kj, with the order is np. So, आप देखिए इसमें matrix A का order जो दिया हुआ है उसका m by n दिया है. तो n is column, number of element of column A, equal to number of element column, number element of row in B. दोनों same है, तो it is defined A dot B, यानि A cross B इसमें हम कर सकते हैं, A dot B product कर सकते हैं. Product of AB is order क्या आएगा, मतलब M into P. तो इसका A के column और B का row दोनों same होते हैं, तो इन दोनों को हम cancel कर देंगे, तो order जो आएगा हमारा A का row आएगा और B का हमारा column आएगा, उसका हमारा ऑर्डर बन जाएगा. ऑर्डर ऑफ AB इज m into p. ओके, द प्रोडक्ट AB AA कॉल्ड द प्री फैक्टर ऑफ AB. A B प्रोडक्ट में A इज प्री फैक्टर ऑफ AB. B AB प्रोडक्ट में B इज द पोस्ट फैक्टर ऑफ AB. लेट मैट्रिक्स A is equal to who is the element small a 11, small a 12, small a 21, small a 22, who is the order is 2 by 2, and but b iske element hai 2 by 3, 2 row and 3 column, who is the element b 11, b 12, b 13, b 21, b 22, b 23. ये दोनों के एलिमेंट हमारे दिए हुए हैं, लेकिन ऑर्डर जो दिए हैं, पहले वाले का दिया 2 by 2 और सेकंड वाले का ऑर्डर दिया 2 by 3. तो देखिए पहले का जो ऑर्डर में, पहले वाले मैट्रिक्स ए में कॉलम 2 दिया है, मैट्रिक्स बी में रो 2 दिया है, दोनों सेम है, तो इट इज डिफाइंड, इट इज पॉसिबल ऑफ द प्रोडक्ट ए बी. सो फर्स्ट बी डॉट बी, ए के एलिमेंट लिखे हमने मैट्रिक्स, बी के मैट्रिक्स. तो इसमें हमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके साथ मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट, मैट्रिक्स ए के रो ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के कॉरेस्पोंडेंस मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारा ए 11, ए 12, सेकंड का दिया हुआ है ए 11,
कॉलम के दिए हुए हैं A11, B21, तो पहले रो, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम के मल्टीप्लाई करके देखो, तो A11 into V11 plus A12 into B21, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से करेंगे तो A11 1B2 plus A12 into B22, थर्ड से करेंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से A11 B12 plus A12 V22, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स A का मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए, का तुमने पहले कर चुके, अब सेकंड का करेंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो फर्स्ट का हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से किया ए टू वन 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 प्लस ए टू टू बी टू टू, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये न्यू मैट्रिक्स मिल जाता है। दिस मैट्रिक्स इज ए एबी, प्रोडक्ट ऑफ एबी। हमारी कुछ प्रॉपर्टी है इसकी और मल्टीप्लाइकेशन की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लाइकेशन, नंबर वन मल्टीप्लाइकेशन प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। इट नॉट डिफाइंड, इट नॉट डिफाइंड, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। यदि इसके ऑर्डर सेम है तो पॉसिबल है, यदि ऑर्डर इन दोनों के सेम है, ए और बी का ऑर्डर सेम है, इट इज पॉसिबल कम्यूटेटिव लॉ, अदरवाइज नॉट। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। एसोसिएटिव में देखेंगे आप तीन हमारे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। इन तीनों में हमारा ए के ऑर्डर दिए एम बाई एन, बी का ऑर्डर है एन बाई पी, सी का ऑर्डर पी बाई क्यू। ये हमारे तीनों के डिफरेंट ऑर्डर हैं, बट ए बी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए का कॉलम बी का रो के देखिए एलिमेंट सेम है, एन और एन दोनों के सेम है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज पॉसिबल। अब न्यू जो बनेगा आपका ए बी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा एम बाई पी, एम बाई पी, और सी का ऑर्डर पी बाई क्यू दिया हुआ है, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा एम बाई पी और सी का प्रोडक्ट हमारा क्या है पी बाई क्यू। अब देखिए ए बी का कॉलम एम है, पी है, और सी का रो पी है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है, इट इज पॉसिबल। तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, पहले हम बी सी का निकालेंगे, हम बी सी, बी सी का फाइंड करने के लिए हम सबसे फर्स्ट बी का ऑर्डर, बी का ऑर्डर दिया एन इंटू पी और सी का ऑर्डर दिया पी इंटू क्यू। तो देखिए इसमें बी का कॉलम और सी का रो आर इक्वल, दोनों के सेम है एलिमेंट, पी पी दिए हुए दोनों के, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा बी सी के ऑर्डर जो होंगे, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी सी इज इक्वल टू एन बाई क्यू। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी सी, अब मैट्रिक्स ए के ऑर्डर दिए एम बाई एन, ऑर्डर ऑफ बी सी के दिए हुए हैं आपको एन बाई क्यू, तो इसमें हमारा ए का कॉलम एन दिया हुआ है और बी सी का रो क्या दिया हुआ है आपको एन दिया हुआ है, तो दोनों सेम है, इट इज पॉसिबल। तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी, ये हमारा पार्ट होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स वी गेट ए मैट्रिक्स, इट इज डिफाइंड ओनली सेम ऑर्डर। सो फर्स्ट ए डॉट बी प्लस सी, पहले हमने ऑर्डर निकाला बी प्लस सी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी प्लस सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एन इंटू पी। इसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे ए डॉट बी प्लस सी, तो ऑर्डर ऑफ ए इज एम एन टू बी एंड बी इंटू सी इज इक्वल टू एन पी। अब देखिए ए का कॉलम एन है और बी प्लस का रो एन है, दोनों सेम है, इट इज पॉसिबल। तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबल हो जाएगी ए
b plus c is equal to दिया है ab plus ac. तो product of ab plus product of ac. तो सबसे first order of ab. ab का order क्या आएगा आपका, देखो ab का n से n cancel, m into p आएगा, m by p. और ac का order क्या आएगा, ac का देखिए इसमें m by p. तो इन दोनों को सम करेंगे ab plus ac, तो दोनों का order हमारा सेम हो जाएगा और वो ऑर्डर कौन सा होगा, m into p हो जाएगा. इट इज करेक्ट. तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं उसी तरह से. अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टू फर्स्ट पार्ट थर्ड है आपका एनसीईआरटी बुक में, देखेंगे आप पेज नंबर 8 पे. तो फर्स्ट में लेट मैट एट a इज इक्वल टू 2432, b इज इक्वल टू 1325. अब देखिए और c इज इक्वल माइनस 2534. 3a माइनस c, पहले हमने 3a मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3a की वैल्यू आएगी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a में सभी एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 6 और 12 96. माइनस c नेगेटिव c की मैट्रिक्स से ऑर्डर कौन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4, यानी अंदर साइन का चेंज कर देते हैं, अंदर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 प्लस 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4. 6 और 2 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 9 माइनस 3 करेंगे 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जब आपके उसके ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो. तो यहाँ पर दोनों के मैट्रिक्स से ऑर्डर सेम है तो वाई टू है, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. और थ्री इधर स्केलर नंबर होता है और थ्री का ए से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट से और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आता है इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ए बी. ए और बी का प्रोडक्ट तभी होगा जब ए का कॉलम बी का रो के नंबर सेम हो. अब देखिए ए के हमारे यहाँ 2/2 और बी के भी 2/2 है, तो इसका पॉसिबल है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 और 4, कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑफ बी के है 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करिए 2 × 1 प्लस 4 × −2. फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करो 2 × 3 प्लस 4 × 5. सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करो 3 × 1 2 − 2. इसी तरह से सेकंड का सेकंड से करेंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 प्लस 2 × 5. तो ये सॉल्व करके 2 − 8, 6 + 20, 3 − 4, 9 + 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी −6 से 26 और −1 से 19. ओके, ये पार्ट हो जाएगा ए बी. क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको. क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई करना है, cos थीटा इंटू मैट्रिक्स cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा cos sin थीटा cos थीटा cos थीटा sin थीटा. पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है cos थीटा का अंदर सभी एलिमेंट से. अब देखिए cos का cos से करेंगे cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos का माइनस sin से करेंगे माइनस sin इंटू cos, cos का cos से करेंगे cos स्क्वायर थीटा. इसी तरह से sin का मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. ओके, अब देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम एडिंग कर सकते हैं दोनों का. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एड करो, फर्स्ट का रो का फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. फर्स्ट रो का सेकंड वाले मैट्रिक्स में सेकंड देखिए आप cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, नीचे देखिए आप माइनस sin इंटू cos प्लस sin इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब आपने आइडेंटिटी रीड की हुई है आपने 11th में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है. तो ये जो कैंसिल है हमने कैंसिल कर दिया इसमें cos sin sin cos को, इसी तरह cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 रखा है, इसका भी वैल्यू हमने 1 रखी, तो वैल्यू हो जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद 1001. दिस इज सिंप्लीफाई, जितना होता है उतना हम सिंप्लीफाई इसमें करते हैं. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स
x if y is equal to 3, 2, 1, 4 and 2x plus y is equal to 1, 0, minus 3, 2. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? x की. अब इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दी 2x plus y is equal to 1, 0, minus 3, 2. इसमें हमने क्या किया, y को राइट की तरफ ले जाएंगे. पहले 2x की वैल्यू निकालेंगे, बाद में पहले y को हमने ट्रांसफर किया लेफ्ट से राइट. और आप जानते हो लेफ्ट से राइट में जाएंगे साइन चेंज कर देते हैं, तो हमने ये साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस में हो जाएगा. इसको इसमें से माइनस किया 10 माइनस 32 में से 3214 को, तो माइनस करके ये बन जाता हमारा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2. ओके, अब 2x इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2. x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2. 2 से डिवाइड करो सभी एलिमेंट में, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1. तो है तो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स आपको यह फंक्शन दिया हुआ है x की फॉर्म में. तो यहाँ पर x जो दिया है आपका डोमेन दिया है, जहां जहां थीटा था वहां पर हम x रख देंगे, cos थीटा sin थीटा 0, sin x cos x 0 0 0 1. ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3x3 का. सो दैट fx into fy is equal to fx plus fy is equal to fx plus y. तो लेट fy फंक्शन फाइंड करेंगे, जहां x था वहां y पुट किया, फिर इसके बाद हमने जहां x था वहां पर x plus y रखा. तो ये तीनों हमने फंक्शन निकाले, एफ एक्स गिवेन है उसके अकॉर्डिंग एफ वाई फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स प्लस वाई फाइंड किया. ओके, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई. इसका मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब इसका फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ऑर्डर 3x3 का दिया हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, और इसके बाद सेकंड रो का थर्ड कॉलम से. इसी तरह से थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड से. तो ये भी हमारा मैट्रिक्स मिलेगा 3x3 का. अब आपने आइडेंटिटी रीड की हुई है, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b होता है, cos a cos b minus sin a sin b minus होता है. तो इसका एक आइडेंटिटी होती है cos a plus b के बराबर होता है, तो इसकी आइडेंटिटी हमने यूज की cos x cos y minus sin x sin y को, हमने cos x plus y minus sin x plus y और 0 sin x plus y cos x plus y 0 0 0 1. ओके, तो ये हमारा f x plus y बन जाता है, करेक्ट. ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, a square minus 5a plus 6 I means identity. तो इसमें हमारी a की वैल्यू दी हुई है 201, इसके बाद 201, 213 एंड 1 माइनस 1 0. सबसे फर्स्ट हम a square निकालेंगे, a square के लिए a by a निकालना है मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ a into a. तो आपने इसी तरह से प्रोडक्ट निकाली, a square की वैल्यू निकाल ली हमने इसमें. इसके बाद a square की जो वैल्यू आती है 5 9 minus 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 और माइनस 2, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी ए स्क्वायर. अब इसके बाद हमने वैल्यू निकाली हमने 5a, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 a की वैल्यू पुट कर दी 6. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको लर्न करनी है. 2 का जो होता है 1 0 0 1 होता है, और 3 का करना है, 2 और 3 का लर्न करना है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं जिनके डायगोनल्स यूनिटी यानी वन होता है वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इसके अंदर पुट कर दिया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई किया ए के अंदर, 6 का हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी के अंदर. तो ये हमारे पार्ट है ए और बी, पहले ए में से हमने बी को माइनस किया यानी ए स्क्वायर माइनस 5 ए वाले को सॉल्व किया. सॉल्व करने पर आ जाता माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 10 माइनस 5 4 माइनस 2. आइडेंटिटी है 6 0 0 0 6 0 0 0 6. अब इन दोनों को एडिशन करेंगे, एडिशन तभी करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम है. देखो 3x3 का ऑर्डर है सेम है, इसलिए हम उसको ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को. ऐड करने को माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0,
So minus 1 plus 0, minus 7 plus 6, minus 10 plus 0, minus 5 plus 0, 4 plus 0, minus 2 plus 6. So here we get a square minus 5a plus 6i is equal to 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 10 minus 5 4 4. This is answer. तो हमारी ये क्वेश्चन हो गया आपका. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1001. फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे फर्स्ट a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की. a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a बाय a इनटू a. a का a से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड इनटू मैट्रिक्स a. तो मैंने अभी आपको बताया था रो फर्स्ट का कॉलम फर्स्ट से करेंगे, रो फर्स्ट का सेकंड कॉलम से. इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से. तो ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 4 माइनस 4. नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2 वाई. तो इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की ए की वैल्यू और आई की वैल्यू. लेफ्ट में हमारा दिया हुआ है, राइट की तरफ वैल्यू के का मल्टीप्लाई करो सभी एलिमेंट से किया. 3 से करेंगे 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, 2 का i से करो 2 का 2 माइनस 2 0 0 2. अब देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है तो इसलिए इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, हम दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद आता है आपका 3k माइनस 2 और माइनस 2k, 4k माइनस 2k माइनस 2. ओके, अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे. नंबर सेकेंडली जब ऑर्डर इक्वल है, ये आपने पहले रीड किया हुआ है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर कॉरेस्पोंडेंस एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. तो फर्स्ट का एलिमेंट क्या दिया आपको, लेफ्ट में देखिए 1, राइट में देखो 3k माइनस 2. ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दिया. 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 3k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 1. कहीं से भी हम वैल्यू निकालेंगे k वैल्यू सेम आएगी. इसी तरह से माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2 तो k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. इसे 4k इज इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी. तो k की वैल्यू हमारी प्लस 1 आ जाएगी आपकी. तो ये क्वेश्चन 17 हो गया आपके. तो यहां तक आपको 17 तक आपको क्वेश्चन करने हैं. ये एक्सरसाइज आपकी 3.2 की है. बाकी जो पार्ट है आगे नेक्स्ट डे हम करेंगे टुमारो, ठीक है. तो ये यहां तक आपको करना है, अपनी जो प्रॉब्लम है इकट्ठी कर लो. नेक्स्ट डे जब भी एक क्लास होगी उसी के साथ हम इसको बता देंगे, आपकी जो प्रॉब्लम आती है उसको हम सॉल्व करेंगे. तो ये सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको. ओके बेटे, तो इसमें कोई भी ऐसे नहीं है, आप अपना देख लिया करो. अब जैसे क्वेश्चन आपका बनना नहीं आ रहा समझ में, उसको मार्क करो और आपके जूम से आपकी करेंगे तो उसके साथ पढ़ाई होती रहेगी, आप पूछते रहेंगे. ये पार्ट है आपका, ठीक है बेटे.